चलिए चालू कर रहे हैं कौन सा कॉज एंड इफेक्ट। अब देखो यार, अब आपके ये लॉजिकल रीजनिंग में जो कॉज एंड इफेक्ट आता है वो किस तरीके से काम करता है, देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है। कॉज और इफेक्ट, कि कॉज क्या है और उसका इफेक्ट क्या है, बड़ा सिंपल तरीके से सॉल्व होगा। इन दिस टाइप ऑफ रीजनिंग ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट होंगे जिसमें से एक होगा कॉज और दूसरा होगा उसका इफेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट्स के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो यहां पे यू हैव टू टेस्ट वेदर द स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर और नॉट। बारिश हुई, राम गिर गया, कोई रिलेशन है? हाँ, कोई रिलेशन है? बारिश हुई और आप हंसे, कोई रिलेशन है? नहीं। These types of problem judge the reasoning and analytical power of the students. Therefore, candidates are advised to read the statement very well to arrive at a particular conclusion. अब देखो, जैसे आपके सामने क्या है, आपके सामने एक statement है, everybody should work hard. सबको hard work करना चाहिए. The only way to achieve success is to work hard. और success achieve कब हो सकती है? जब आप hard work करोगे. Okay? Statement one reason है and statement two उसका response है. अब स्टेटमेंट वन रीजन है और स्टेटमेंट टू उसका रिस्पॉन्स है, स्टेटमेंट टू रीजन है, स्टेटमेंट वन उसका रिस्पॉन्स है, बोथ दी स्टेटमेंट एंड वन एंड टू आर नॉट डिपेंडेंट रीजंस। चौथा है, बोथ दी स्टेटमेंट वन एंड टू आर रिस्पॉन्स फॉर नॉट डिपेंडेंट रीजंस, बोथ दी स्टेटमेंट आर रिस्पॉन्स ऑफ सब कॉमन रीजन। तो देखो, सबसे पहले तो थर्ड वाला गलत हो गया कि ये डिपेंडेंट नहीं है, ये तो गलत है भाई साहब, ये तो डिपेंडेंट है, पहली बात तो ये। दूसरा दे रखा है, बोथ दी स्टेटमेंट वन एंड टू आर दी रिस्पॉन्स फॉर नॉट, दोनों के दोनों रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों के दोनों रिस्पॉन्स है। बोथ दी स्टेटमेंट्स वन एंड टू आर रिस्पॉन्स ऑफ कॉमन रीजन, नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि किसी कॉमन रीजन का कोई रिस्पॉन्स हो। स्टेटमेंट वन इज द रीजन एंड स्टेटमेंट टू इज द रिस्पॉन्स। एवरीबडी शुड वर्क हार्ड, द ओनली वे टू अचीव सक्सेस इज टू वर्क हार्ड, सही है, ठीक है। स्टेटमेंट ए सही लग रहा है, क्यों? क्योंकि ना सबको हार्डवर्क करना चाहिए, रीजन है, और उसका रिस्पॉन्स है कि अगर आपको सक्सेस अचीव करनी है तो इसलिए हार्डवर्क करना चाहिए। तो ये इसका क्या है, एक तरीके से रिस्पॉन्स है उसका। हेयर इन द ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन द फर्स्ट इट इज टोल्ड अबाउट द जेनेरिक स्टेटमेंट विच इज एप्लीकेबल टू एवरीबडी। तो वर्किंग हार्ड कैन बी टेकन एज ए रीजन, बट टू डिस्क्राइब इट एज ए रीजन देयर शुड बी सम रिस्पॉन्स, कि हाँ भाई ये रीजन है पर इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स चाहिए। The response is shown in statement 2 that tells that through work hard one can achieve success, hence it shows that statement 1 is the reason and statement 2 is the response. So, sahi hai, statement 1 reason hai, statement 2 uska response hai. Ab types of statements dekho, theek hai, types of statement type 1 kis tarike ke aate hai? These kinds of statement are about those cases where there will be direct reason and response type of statement will be present in the question, direct reason or response. The last example we have discussed goes under this category, direct reason or seedhe uske upar response. Now let's discuss another problem of the same kind. Apple has vitamin D which that helps in boosting immunity. Isliye bolte na apple khana chahiye. Niche bolta hai doctor advised to eat an apple every day. Like aur doctor advise karte hain kyunki apple khao. The statement one reason hai aur statement two iska response hai. स्टेटमेंट टू रीजन है, स्टेटमेंट वन इसका रिस्पॉन्स है। बोथ दी स्टेटमेंट वन एंड टू आर नॉट डिपेंडेंट रीजन, ये डिपेंडेंट नहीं है, ये तो कंप्लीटली गलत हो गया भाई, सी वाला तो है ही नहीं। चौथा है, कॉमन रीजन के कॉमन रिस्पॉन्स आर दी रिस्पॉन्स टू दी नॉट डिपेंडेंट रीजन, ऐसा कुछ भी नहीं है, कनेक्टेड है आपस में, तो आर रिस्पॉन्स टू सम कॉमन रीजन, ऐसा भी नहीं है। तो यानी कि स्टेटमेंट वन या टू में से ही है। तो अब डिसाइड करो कि इसमें से कौन सा जेनेरिक है और कौन सा इसके अंदर उसका रिस्पॉन्स है। एप्पल हैज विटामिन डी दैट हेल्प्स इन बूस्टिंग इम्यूनिटी, क्या ये सबको पता है? आंसर आएगा नहीं सर, ये सबको नहीं पता। मगर क्या डॉक्टर एडवाइस करता है सबको एप्पल खाने के लिए? हाँ, तो डॉक्टर सबको एडवाइस करते हैं, और डॉक्टर क्या हर जना एडवाइस करता है, मतलब आपको पता है ना, कोई बीमार होता है तो सबसे पहले उसके लिए फ्रूट्स लेके जाते हैं, एप्पल उसको सजेस्ट किया जाता है क्योंकि उसमें विटामिन डी है जिसकी वजह से इम्यूनिटी, क्योंकि मैंने वर्ड यूज करा क्योंकि उसमें विटामिन डी है, इसीलिए ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया रीजन और ये इसका हो गया रिस्पॉन्स।
रीजन मतलब एक जेनेरिक स्टेटमेंट जो सबके लिए एप्लीकेबल है। डॉक्टर कहते हैं एप्पल खाना चाहिए, अरे भाई पूछ के तो आप क्यों खाना चाहिए, तो ये जो क्यों का आंसर है ना, ये क्यों का आंसर है, विटामिन डी है एप्पल में इसलिए खाना चाहिए। नेक्स्ट आता है सेकंड टाइप के केसेस, ये बोलता है हियर वी विल डिस्कस अबाउट दोज केसेस इन विच बोथ दी स्टेटमेंट विल बी रिस्पॉन्स ऑफ सब कॉमन रीजन। दोनों के दोनों क्या है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कॉमन रीजन के रिस्पॉन्सेज हैं। लेट्स एनालाइज इट विद एन एग्जांपल। देयर हैज बीन अ कर्फ्यू इन द सिटी। अच्छा, सिटी में कर्फ्यू है, ठीक है, क्यों है पता नहीं है बट कर्फ्यू है। 24 आवर्स पुलिस पेट्रोलिंग इज गोइंग ऑन इन द सिटी, क्योंकि कर्फ्यू है तो 24 आवर्स, ठीक है, ये चल रहा है। ठीक है, अब देखना ये क्या है, कॉमन रीजन का क्या है रिस्पॉन्स है, क्यों रीजन क्या है। देखो सोचो, there was a riot in the, there was some terrorist attack, there was some riot, ठीक है, या कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से कर्फ्यू है, ठीक है, तो वो तो एक है कॉमन रीजन, उसकी वजह से पुलिस पेट्रोलिंग भी कर रही है, उसकी वजह से कर्फ्यू भी लग रहा है, दोनों साथ में रहे ऐसा जरूरी नहीं है, समझ रहे हो भाई। हो सकता है सिर्फ कर्फ्यू लगा दिया, पुलिस नहीं कर रही पेट्रोलिंग, अब बोलो, हो सकता है सिर्फ पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, कर्फ्यू नहीं लगाया, समझ आ गया, तो वो तो आपने बताया नहीं कि रीजन क्या था। तो बोथ द कैरीज आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ कॉमन रीजन, सिंपली टू सिंप्लीफाई आवर थॉट, लेट्स अज्यूम दैट देयर इज अ हिंदू मुस्लिम राइट, हिंदू मुस्लिम राइट है, ठीक है, हालांकि ऐसे बुक्स में ऐसी चीजें देनी नहीं चाहिए, ठीक है, बुक्स शुड अवॉइड सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो बोलता है इसकी वजह से क्या है, ये रीजन हो गया, समझ गए, उसका ये रिस्पॉन्स है कि ये हुआ जिसका ये रिस्पॉन्स हुआ। समटाइम्स दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, आर नॉट डिपेंडेंट रीजन, दोनों के दोनों डिपेंडेंट रीजन नहीं है। देयर हैज बीन अ कर्फ्यू इन द सिटी, डॉक्टर्स एडवाइज टू ईट एन एप्पल एवरी डे, ठीक है, सिटी में कर्फ्यू है, डॉक्टर बोलते हैं रोज एप्पल खाओ, ये कोई बात है, कोई रिलेशन इस बात का, ये कोई मतलब है इस बात का, बताओ, नहीं, आंसर आ जाएगा डी, बोथ दी स्टेटमेंट वन एंड टू आर रिस्पॉन्स, नॉट डिपेंडेंट रीजन्स, ठीक है, ऑफ नॉट डिपेंडेंट रीजन्स। टाइप्स ऑफ कॉजेस, अब देखो तीन तरीके के कॉजेज होते हैं, देयर कैन बी डिफरेंट कॉजेज इन फॉर द फॉलोइंग कैटेगरीज, एक होता है इमीडिएट कॉज, एक होता है प्रिंसिपल कॉज, एक होता है इंडिपेंडेंट कॉज। इमीडिएट कॉज इन दिस इज द कॉज दैट हैज अकर्ड मोस्ट रिसेंटली, जो बहुत जल्दी अभी जस्ट रिसेंट में ऐसा हुआ। कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ स्नोफॉल, वॉटर इज हीटेड बाई द सन एंड इट इवेपोरेट्स इन टू द एटमोसफेयर, वंस इट गोज इन द एटमोसफेयर इट कूल्स डाउन टू अ वेरी लो टेम्परेचर एंड and participates as snow, there are a few causes that have led to snowfall, the most immediate being the fact that raindrops freeze in the low temperature of the atmosphere. ते बोलता है snowfall क्यों होता है, तो सबसे immediate cause क्या है, क्योंकि raindrops, ठीक है, सूख जाती है, ठीक है भाई, high temperature हुआ, आप समझो high temperature हुआ, high temperature बन के, ठीक है, पानी ऊपर गया, ऊपर जाते ही ऊपर temperature बहुत ज़्यादा cool था, cool होके सूख गया, सूखते वो नीचे आने लग गया, और नीचे आने लग गया तो ये हो गया, समझ गए क्या, हाँ या नहीं भाई। देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ना, वहाँ पे होता है स्नोफॉल, और जहाँ पे गर्म होता है तो वहाँ पे बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं, जैसे राजस्थान वाला एरिया हो गया, यहाँ पे स्नोफॉल नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि गर्म पानी फिर स्नो बन के नीचे नहीं आ सकता, ठीक है, वो क्या होता है, वो, ठीक है, ओले बन के आता है, हिल स्टॉर्म्स ही आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे स्नोफॉल नहीं हो सकता। नहीं, कई बार ऐसा होता है, क्वेश्चंस आते हैं, और कई लोग तो क्या करते हैं, कई लोग तो जैसे ये जब ये गिरते हैं, ठीक है, तब लोग डाल देते हैं स्नैपचैट पे, स्टोरीज डालते हैं या फिर स्टोरीज डालते हैं स्नोफॉल इन जयपुर, तो उनको कोई समझाओ कि स्नोफॉल नहीं है भाई, ये स्नोफॉल नहीं होता ये, चलो कोई बात नहीं, इसमें पूरा रीजन बताया, इमीडिएट कॉज क्या है, बोलिए पानी गर्म होकर ऊपर इवेपोरेट हो जाते हैं, ऊपर एटमॉस्फेयर पे जाते हैं, एटमॉस्फेयर ठंडा था, ठंडा उनके स्नो बन जाता है। जैसे क्या होता है, कभी भी ऐसे देखना, गर्म पानी को अगर आप, ठीक है, गर्म पानी को एकदम स्नो में डाल देते हैं ना, जैसे आपने कहीं, हो सकता है कोई फेसबुक पे, कोई इंस्टाग्राम पे, कोई यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखा हो जिसके अंदर कोई ऐसे कैनेडा में बंदा रह रहा है, वहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है माइनस में, गर्म पानी करके जैसे ही हवा में डालेंगे तो स्नो बन के नीचे गिरेगा, ऐसा होता है, ये साइंटिफिक रीजन है, ऐसा होता है। कभी भी आप देखना, अगर आप ऐसा आपने सुना भी होगा, मे बी एक्सपेरिमेंट में भी होता है कि अगर आप पानी को गर्म करने के बाद फ्रीज करते हो ना, तो वो जल्दी फ्रीज होता है, ठंडा भी जल्दी होता है, और क्रिस्टल क्लियर होती है, जो बर्फ़ होती है, जो आइस क्यूब्स बनती है, एकदम क्रिस्टल क्लियर बनती है,
बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप क्या करते हो, ऑन दी अदर हैंड अगर आप ठीक है ठंडे पानी को जमाते हो ना, तो अंदर वो वाइट वाइट सा रह जाता है। कभी भी एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, तो ये बेसिक रीजन है। चलो छोड़ो, साइंस की क्लास छोड़ते हैं अपन, ठीक है, लेट्स कम बैक टू दिस टॉपिक। प्रिंसिपल कॉज, द मेन कॉज इज रिस्पॉन्स फॉर एन इवेंट, द इमीडिएट कॉज मे नॉट बी द प्रिंसिपल कॉज। ठीक है, तो मेन कॉज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एन इवेंट। क्या रिस्पॉन्स है इसका, क्या रिस्पॉन्सिबल कॉज है? ठीक है, अब जैसे देखो प्रिंसिपल कॉज क्या है, अपन कह सकते हैं COVID-19 की वजह से कर्फ्यू लगा, दैट वॉज द प्रिंसिपल कॉज। अच्छा, वो इमीडिएट कॉज भी यही है और प्रिंसिपल कॉज भी यही है। ओके, इंडिपेंडेंट कॉज, दिस इज द कॉज दैट इज डिपेंडेंट ऑफ द इवेंट्स। ऑन द अदर हैंड द इफेक्ट एंड कॉज मे नॉट हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप और एनी रिलेशनशिप एट ऑल। कभी कभी दोनों चीजों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग पॉसिबिलिटीज देखते हैं। द क्वेश्चन ऑन कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग आर मेनली डिजाइन टू डिसाइड ऑन कैंडिडेट्स एबिलिटी टू एनालाइज अ पेयर ऑफ गिवन क्वेश्चंस टू कोरिलेट देम। क्या आप इसको कॉज और इफेक्ट के साथ ठीक है रिलेट कर सको। पांच पॉसिबिलिटीज आती है इसके सामने। द फैक्ट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द इफेक्ट ऑफ द मेंशन एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज द ठीक है ऑफ द सेकंड स्टेटमेंट। तो पहला क्या हो सकता है, इसके पांच आंसर्स बनते हैं। पांच आंसर्स क्या क्या बनते हैं, पांच आंसर्स में सबसे पहला आंसर बनता है फर्स्ट स्टेटमेंट इज द इफेक्ट। पहला स्टेटमेंट क्या है, इफेक्ट है ऑफ द इफेक्ट ऑफ दैट मेंशन इन द सेकंड स्टेटमेंट। जो सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है उसका पहला वाला पॉइंट इफेक्ट है। दूसरा क्या है, दूसरा है द कॉन्टेंट्स ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द डायरेक्ट कॉज, फ्रॉम द डायरेक्ट कॉज एंड द रिजल्ट डिस्कस्ड इन द सेकंड स्टेटमेंट। मतलब पहला वाला कॉज है, दूसरा वाला ठीक है जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है पहला वाला उसका कॉज है, या ऐसा हो सकता है बोथ दी स्टेटमेंट क्या है जनरलाइज रिजल्ट्स देते हैं जिसके पीछे कोई भी और फैक्टर नहीं है। बोथ दी स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट एंड मे बी एक्सप्लेन्ड एज इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिपेंडेंट कॉजेस। हो सकता है दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपस में इंडिपेंडेंट है जिसका कोई कनेक्शन नहीं है। द इफेक्ट इन बोथ दी गिवन स्टेटमेंट मे बी कॉज और ट्रिगर्ड बाय अ थर्ड अंडर अनमेंशनड इवेंट दैट मे दस बी कॉल्ड द कॉमन कॉज ऑफ द गिवन इवेंट्स। या हो सकता है दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं वो किसी अनमेंशनड थर्ड इवेंट के बारे में हो, ठीक है, जो दे नहीं रखा हो, तो कुछ भी हो सकता है। सो अभी तक अपन ने क्या देखा था, अभी तक अपन ने ठीक है कॉज और इफेक्ट नहीं देखा था, अभी तक अपन ने देखा था ठीक है कि रीजन और रिस्पॉन्स। अब अपन देख रहे हैं इसके कॉज और इफेक्ट रिलेशन क्या क्या निकल सकते हैं। जैसे डायरेक्शंस और टिप्स देख लो, जैसे पांच आंसर्स हैं आपके सामने हैं। पहला क्या है, पहला स्टेटमेंट कॉज है, दूसरा इफेक्ट है, दूसरे में क्या आ सकता है, दूसरा स्टेटमेंट कॉज है, पहला इफेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट कॉजेस हैं, ठीक है, दोनों इफेक्ट है किसी इंडिपेंडेंट कॉजेस के, बोथ द स्टेटमेंट आर कॉज ऑफ सम इफेक्ट ऑफ सम कॉमन कॉज। ये हो सकता है, पांच बातें हो सकती है। एग्जाम्पल नंबर वन, द लोकल ट्रेडर्स एसोसिएशन अर्ज्ड ऑल इट्स मेंबर्स टू क्लोज डाउन देयर शॉप्स फॉर अ डे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट न्यू टैक्स पॉलिसी। लोकल ट्रेडर्स एसोसिएशन ने अपने बाकी सारे के सारे मेंबर्स को बोल दिया ठीक है कि यार आप दुकान बंद रखो क्योंकि सरकार ने नई टैक्स पॉलिसी बनाई है, तो हमें क्या करना है, हमें एक दिन का क्लोज डाउन करना है। मैनी शॉपकीपर्स डिसाइडेड टू क्लोज डाउन देयर शॉप्स फॉर द डे एंड गेव अ डे ऑफ टू देयर एम्प्लॉयज। तो बाकी लोगों ने सोचा बढ़िया है, एम्प्लॉयज को छुट्टी मिल जाएगी, ठीक है, इस बहाने छुट्टी कर लेते हैं। तो क्लियरली द एसोसिएशन्स डिसीजन फॉर अ बंद और अ मैसिव स्केल टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट न्यू पॉलिसी वुड हैव इंस्टिगेटेड द शॉपकीपर्स टू कीप देयर शॉप्स क्लोज्ड। दस मेंशंस इन द क्लॉज डायरेक्ट कॉज ऑफ इफेक्ट इन टू, हेंस द आंसर इज ए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ए। स्टेटमेंट वन इज द कॉज एंड स्टेटमेंट टू इज द इफेक्ट। ये कॉज है, ये इफेक्ट है, समझ गए? ये तो साफ साफ दिख रहा है ना। कुछ लोगों ने डिसाइड करा कि अपने एम्प्लॉयज को ऑफ दे देते हैं, इसीलिए सरकार ने थोड़ी नई टैक्स पॉलिसी लेके आए थे। नई टैक्स पॉलिसी आई इसीलिए सबको बोला गया कि दुकान बंद कर लो, इसीलिए ज्यादातर दुकान वालों ने सोचा कि दुकान बंद करके एक दिन को ऑफ दे देते हैं। आगे समझ में अभी, ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। ओके, द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स हैव बीन इंक्रीज कंसिडरेबली ड्यूरिंग दिस समर, ठीक है, सब्जियों की प्राइस बढ़ गई। देर इज अ ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर देयर बाय डैमेजिंग द क्रॉप्स ग्रेटली। तो भाई पहला तो है इफेक्ट कि क्या हुआ, प्राइस बढ़ गई, और दूसरा वाला जो है वो है कॉज। तो देखो स्टेटमेंट टू इज कॉज एंड स्टेटमेंट वन इज इफेक्ट। समझ आ गया, नाम पता लग गया कि पहला क्या है, ये तो कॉज दे रखा है कि टेम्परेचर बढ़ा जिसकी वजह से क्रॉप्स जल गई और उसका इफेक्ट आया कि प्राइस बढ़ गई।
समझ आ गया? आज सोचो ना, नींबू की प्राइस क्यों बढ़ी? ये नींबू की प्राइस या जितनी ज्यादा जो प्राइसेस आपने सुनी होगी बीच में कि सब्जियां महंगी हो गई, वो क्यों महंगी हुई? इसीलिए तो महंगी हुई है सब्जियां, ऐसे थोड़ी महंगी होगी। देखिए क्वेश्चन टू, पुलिस रिसोर्टेड टू लाठी टू डिस्पर्स द अनलॉफुल गैदरिंग ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ओके, द सिटीजंस फोरम कॉल्ड अ जनरल स्ट्राइक इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पुलिस एट्रोसिटीज। ये बोलता है कि ना, ये बोलता है कि यार पुलिस ने क्या करा, लाठी मारी लोगों को, जिससे अनलॉफुल गैदरिंग, क्योंकि अनलॉफुल गैदरिंग हो गई थी तो लोग बहुत सारे भीड़ बना के इकट्ठे हो गए थे, पुलिस ने लाठी चार्ज, और लाठी चार्ज कर करके सबको भगा दिया। फिर ये बोलता है द सिटीजंस फोरम कॉल्ड अ जनरल स्ट्राइक इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पुलिस एट्रोसिटीज, और फिर इन्होंने जनरल स्ट्राइक फिर से कॉल करी, ठीक है, क्योंकि पुलिस ने हरकत करी थी पुलिस के अगेंस्ट। तो यार पहला वाला तो कॉज हो गया, दूसरा वाला इफेक्ट हो गया, समझ रहे हो? समझो ये चीज, ऐसा ये चीज ना बाद में हो रही है, ये चीज बाद में हो रही है। कई बार क्या होता है, स्टेटमेंट को समझ के ऐसा लगता है कि यार लोगों ने स्ट्राइक बुलवाई थी, ठीक है, और पुलिस ने लाठी मार के भगा दिया। नहीं, पुलिस ने लाठी मार के भगा दिया था, इट वॉज द कॉज, और उसके बाद सिटीजंस फोरम ने क्या किया, जनरल स्ट्राइक बुलाई क्योंकि पुलिस ने बदतमीजी दिखाई थी। आ गया समझ में? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज द एम ऑफ सिटीज सिविक अथॉरिटी टू गेट एयर पोल्यूशन रिड्यूस बाय 20% इन नेक्स्ट 2 months। द नंबर ऑफ अस्थमा केसेस इन द सिटी इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। तो नंबर ऑफ अस्थमा केसेस कॉज है, ठीक है, जिसकी वजह से जिम्मेदारी है सिटी के डिपार्टमेंट की, ठीक है, सिविक अथॉरिटी की, कि वो पोल्यूशन को रिड्यूस करवाए। ओके, पुलिस अथॉरिटी हैज रिसेंटली कॉट अ ग्रुप ऑफ हाउस ब्रेकर्स। सिटीजन्स ग्रुप इन द लोकल लोकेलिटी हैव स्टार्टेड नाइट विजिल इन द एरिया। ये बोलता है पुलिस अथॉरिटी ने रिसेंटली एक ग्रुप को पकड़ा जो कि घर पे चोरी करके भाग रहे थे। सिटीजन्स ने, लोकल सिटीजन्स ने नाइट विजिल चालू किया है। नाइट विजिल का मतलब क्या होता है? नाइट विजिल का मतलब होता है वो रात को ये लोग जागना चालू कर रहे हैं, रात को ये लोग चौकीदारी कर रहे हैं, चेक रख रहे हैं, ठीक है, कि बस ये दे रखा है इन दैट एरिया। एक सेकंड, तो क्या कनेक्शन है, कनेक्शन क्या, दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं क्या? दोनों आपस में कनेक्ट होंगे, मगर क्या सोच के, कि क्योंकि चोरियां बढ़ गई है, समझ रहे हो? तो दोनों के बीच में ना तो एक कॉज है ना इफेक्ट है, 1 or 2 तो हुआ नहीं, दोनों कॉजेस भी नहीं है, ठीक है, दोनों इफेक्ट भी नहीं है किसी इंडिपेंडेंट कॉज के, दोनों कनेक्टेड तो हैं, तो दोनों क्या है, इफेक्ट है कॉमन कॉज के, और कॉमन कॉज क्या है, चोरी होना। समझ आ गया? बोथ द स्टेटमेंट क्लियरली बैक्ड बाय कॉमन कॉज विच शोज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ थेफ्ट्स इन द लोकेलिटी। आ गया समझ में? ठीक है, द यूनिवर्सिटी अथॉरिटी हैज इंस्ट्रक्टेड ऑल द कॉलेजेस अंडर इट्स जुरिसडिक्शन टू बैन यूज ऑफ ऑल फोन्स इनसाइड द कॉलेज प्रीमिसेस। तो यूनिवर्सिटी ने बोला कॉलेजेस को, सारे के सारे कॉलेजेस को, कि इनसाइड दी कॉलेज प्रीमिसेस फोन के यूज को बंद करो। मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स ऑफ द कॉलेज साइंड अ जॉइंट पिटीशन टू द यूनिवर्सिटी कंप्लेनिंग द डिस्टर्बेंसेस कॉज बाय सेल फोन्स रिंगटोन्स इनसाइड द क्लासरूम्स। तो ये तो हो गया कॉज और वो हो गया रीजन, कि ज्यादातर बहुत सारे टीचर्स ने बोला यूनिवर्सिटी को, इसलिए यूनिवर्सिटी ने डिसीजन दे दिया। ठीक है भाई, the government has recently fixed the fees for professional courses offered by unaided institutions which are much lower than the fees charged last year. The parents of the aspiring students lodged a severe agitation last year protesting against the high fees charged by the unaided institutions. to inhone bola unhone kam kar diya, regulate kar diya, samajh gaye? theek hai bhai. लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द लो लाइंग एरियाज हैव बीन इवैक्यूएटेड ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज टू सेफर प्लेसेस।
government has rushed in relief supplies for the people living in the area. तो ये बोल रहा है कि सेफर प्लेसेस पे लोग चले गए, गवर्नमेंट ने उनको खाना दे दिया. मे बी कोई अर्थक्वेक आ गया होगा, फ्लड आ गया होगा, ड्रॉट हो गया होगा, तभी तो ऐसा हुआ है. तो पीपल आर इवैक्यूएटिंग लो लाइंग एरियाज वाले, और लो लाइंग मतलब फ्लड ही होगा, मतलब जो क्या होता है पहाड़ों के नीचे की तरफ रहने लग जाते हैं ना लोग, वैसा. ठीक है, ई पॉइंट है ई, मतलब दोनों ही वो है, कॉमन कॉज है दोनों के लिए. The performance of most of the students in final exam of class 10th by the government was excellent. Final exams of class 10th was excellent. Many teachers of the government school, by the government schools, students of the final exam, government schools ke jo bacche the, unke final exams mein result bahut acche the. Many teachers of the government school left the school and joined private school. कनेक्शन ही नहीं है, दो सेपरेट सिचुएशन है, मतलब इंडिपेंडेंट कॉसेस है. स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल परफॉर्मिंग वेल इन द एग्जामिनेशन एंड द टीचर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स लीविंग देयर जॉब्स टू जॉइन प्राइवेट स्कूल आर टू सेपरेट सिचुएशन दैट मस्ट हैव बीन ट्रिगर्ड बाय इंडिपेंडेंट कॉसेस. अलग अलग कॉसेस हैं. मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजन्स इन द लोकैलिटी बिलोंग टू हायर इनकम ग्रुप. ओके, द सेल्स इन द लोकल सुपर मार्केट आर कंपैरेटिवली मच हायर देन इन अदर लोकैलिटीज. तो क्योंकि सेल्स सुपरमार्केट की कंपैरेटिवली हाई है, क्योंकि ज़्यादातर लोग हायर इनकम ग्रुप वाले हैं, इसलिए वो लोग कहाँ जाते हैं, लोकल सुपरमार्केट जाते हैं. समझ गए, क्योंकि जो इस एरिया में लोग रहते हैं वो अमीर है, तो वो जिस लोकेलिटी के सुपरमार्केट में जाते हैं उसकी सेल्स अच्छी है. टेंथ पॉइंट है, देयर इज कंसिडरेबल रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय वाटर बोर्न डिजीजेस इन सिटी A during the rainy season. The government has opened 4 new civil hospitals in city A in the beginning of the year. There is a considerable reduction in the number of people affected by waterborne diseases. A government ne 4 hospital open kar diye aur waterborne diseases wale log kam ho gaye. दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं. ठीक है, इसमें इफेक्ट थोड़ी है इसका, दोनों इंडिपेंडेंट इफेक्ट थोड़ी हैं, दोनों तो कॉजेज हैं. देखो मैं बताता हूँ आपको, कंसिडरेबल रिडक्शन हुआ नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय वाटरबोर्न डिजीजेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन. अब इसका रीजन आता, इफेक्ट आता, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पानी क्लीन करवा दिया, पानी भरता नहीं है, इस तरीके की चीज़ आती, तो वो तो है नहीं. ठीक है, गवर्नमेंट ने 4 हॉस्पिटल्स ओपन कर दिए क्योंकि गवर्नमेंट के पास फंड आ गए या सिटी में रिक्वायरमेंट थी, तो कुछ है नहीं ना दोनों. आर सेल्फ सफिशिएंट एंड डिपेक्ट द इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसलिए. ठीक है, कोडिंग डी कोडिंग हो ही चुका था अपना. ओके, ये कंप्लीट हो गया अपना.